morning, my name is Shaji from the School Management School of Lima. This is my project. ये कटर मशीन है जिससे हम नॉर्मली पाइप वगैरह काटते हैं आयरन के और बढ़िया बढ़िया काटते हैं रॉड। और इसमें मतलब पहले ये होता है कि किसी भी वर्कर को पाइप को मेजर करना होगा, उसको मार्क करना होगा, उसके बाद उसे कट करते हैं। और अगर वो ज़्यादा पाइप काटनी है और अलग अलग टाइप के, तो उसमें उसको बार बार पहले मेजर करना पड़ेगा, फिर मार्क करना पड़ेगा, फिर उसको काटना होगा। इसलिए अगर तो उसे अपने आप नापते हुए बरकर काटता रहेगा, उससे उसका अलग से नापने का जगह टाइम खर्च नहीं होगा, उसका टाइम सेव होगा और उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो भी सेव होगी। इसे मनाने का मेरा ये मकसद है कि इससे टाइम की सेविंग हो और वर्क एनर्जी भी कम लगे। और चला के देखो कैसे काम है। लाइट नहीं है ना अभी। और इसमें 4 इंच का यहाँ डिस्टेंस है ब्लेड से, मतलब मेजरिंग टेप के वहाँ तक। तो 4 इंच का छोड़ के अगर हमको 1 फीट काटना है तो हम 8 इंच यहाँ पर मेजर करेंगे और 1 फीट पूरा एग्जैक्ट कट जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने किया और यहाँ पर पूरा एकदम 1 फीट होगा एग्जैक्ट। और फिर नेक्स्ट कटना है तो, और अगर ज़्यादा काटना है जैसे कि अगर मुझे 15 इंच खिसकाते जाएंगे, हाँ इसे खिसकाते जाएंगे, उस हिसाब से 4 इंच उसमें और ऐड करके अपने आप मतलब मेजर काटते जाएंगे। मेजर करते ठीक और काटने के बाद अगर हम जरा सा पाइप लाएंगे ये अपने आप अंदर आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट पाइप डाल के इसे स्लाइड करते रहेंगे। इसमें क्या कर रहा है ये, मतलब अभी जो पतला पाइप है अगर हम ज़्यादा चौड़ा पाइप लगाएंगे तो उसको पीछे करना होगा, अगर ज़्यादा चौड़ा है पीछे करके यहाँ चौड़ा पाइप आएगा फिर वो मेजर हो जाएगा। और अगर ये निकाल सकते हैं, और अगर आपका इंची टेप अगर टूट गया है, कुछ हो गया, उसमें डिफॉल्ट हो गया है, तो आप इंची टेप निकाल के ऐसे करके चेंज कर सकते हैं।